ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता कानून का विरोध किया है। बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का मकसद बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का आसान अर्थ ये है कि भारत में किसी भी धर्म या जाति के हर नागरिक के लिए कानून एक समान हो। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार पूरे देश में सभी के लिए एक कानून लागू करना चाहती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि उत्तराखंड चुनाव से पहले बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान किया था और अब विधानसभा से उसे पारित करके कानून बना लिया जाएगा। धीरे धीरे अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी समान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें आज तक।